हेलो जी सर नमस्कार। हाँ नमस्ते, बोलिए। हामिद अली बोल रहा हूँ सर। बोलिए हामिद अली साहब जी। वही CUFS 31 के बारे में जो बोले थे ना आपसे, वही सोचा याद दिलाते रहूंगा आपको। नहीं अभी तो लॉकडाउन खुला नहीं है। लॉकडाउन खुला नहीं है। हाँ खुल जाएगा। दशरथ ग्रास भी चाहिए हमको, दशरथ ग्रास। हाँ मिल जाएगा वो भी, पर लॉकडाउन मतलब खुलता नहीं तब तक तो कुछ नहीं वो कर सकते अपन। दशरथ भी चाहिए। दशरथ अभी मतलब अगर मिले तो महीना दो महीना में लगा सकते हैं ना। अभी कौन सा सीजन में लगता है? साल भर में लग सकता है उसमें कोई। सभी जो चारे है ना तो लगभग साल भर लगा सकते हैं आप। 19-20 होता है, ज्यादा नहीं होता फर्क इनको। अच्छा अच्छा, सिर्फ पानी होना चाहिए। और हाँ पानी का तो खैर हमारे पास व्यवस्था है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दशरथ हो गया, ये लुसार्न घास जो है, मेथी ग्रास, लुसार्न, अल्फा अल्फा, वो एक चीज है, अलग हो गया ना। ये की है दशरथ। हाँ दशरथ अलग है, ये दशरथ। हाँ और ये बाकी लुसार्न, अल्फा अल्फा, ये सब एक है। अच्छा दशरथ अलग है, दशरथ अलग है। ठीक है, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? दशरथ घास आपको जाएगा 900 से 1000 रुपए पर केजी तक। वो थोड़ा डिपेंड करता है आपका लोकेशन से ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, आप लॉकडाउन खुलता है तो एक ही साथ ले लेता हूँ पूरा। हाँ चलेगा, जो भी होगा आपको भेज देंगे। और एक और बात आपसे पूछना है कि बकरा जो है ना मेरा, ज्यादा मेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है। हम खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गेहूँ का भूसा और चोकर। इससे मैंने बकरियों का ग्रोथ नहीं हो रहा है ज्यादा, तो उसमें और कौन सा भूसा दे तो अच्छा रहेगा? कैसा होता है गेहूँ के भूसे में ना, इतनी मात्रा में प्रोटीन होता नहीं है जितनी मात्रा में बकरी को चाहिए। हाँ चोकर में भी फाइबर ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कमी होते हैं। जी तो आपको कैसे मतलब थोड़ा क्वालिटी चारा अगर आप खिलाओ उनको तो आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले। क्वालिटी चारा मतलब कौन सा? जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, जैसे कि चने का भूसा, तुअर का भूसा, ये भूसे में हो गया। फिर हरे चारे में अल्फा अल्फा हो गया, नेपियर हो गया। जी हाँ तो हर एक जो ये हरे चारे है, ये मक्का हो गया, उसमें ये ऐसा कुछ खिलाओ आप तो आपको रिजल्ट आएगा। जी हाँ, भूसा चोकर से कुछ नहीं होने वाला है? नहीं भूसा चोकर से कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ भूसा का, गेहूं का भूसा का रेट भी 12 रुपया है, और मसूर का भी भूसा मैंने हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है, लेकिन कहीं से मंगाना है तो गेहूं का भूसा जो रहता ना हमारे तरफ तो जला देते है। हमारे गाय भैंस भी नहीं खाते उनको। अच्छा आप जो 12 रुपए बोल रहे हैं ना, इधर जला दिया जाता है इसको। अच्छा देखो किसान अगर 12 रुपया मिल रहा है तो मशरूम का ही खिलाता हूँ फिर। मशरूम का खिलाओ। हाँ मशरूम का अच्छा रहेगा, मसूर का भूसा। हाँ मसूर का भूसा अच्छा रहेगा जी। हाँ कुछ मिलाना भी नहीं है, वो तो ऐसे ही खा लेते बकरे। तो फिर वही खिलाओ, गेहूँ का भूसा पूरा हटा ही दो उसको, उसको दो ही मत। हाँ ठीक है। और अपने पास ज्यादा से ज्यादा सर अगर हरा चारा है तो फिर ये सूखे चारा मतलब जरूरी है क्या देना? कैसा रहता है, ज्यादा हरा चारा खाने से दिक्कत भी आती है, फिर थोड़ा सुखाना पड़ता है 1-2 दिन हरा चारा भी अगर ज्यादा मात्रा में देना है तो। जी हमारे तरफ तो ज्यादा हरा ही रहता है, मतलब मान लो आप पूरा हरा ही चारा रहता है, सूखा बहुत ही कम रहता है। पर हम लोग थोड़ा सूखा दे उसको, 1 दिन आज कटवा लेते कल खाने में देते, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और एक ही मार्केट में सर, एक रेडीमेड जो फीड चला है तो वो खिलाऊं या बकरों को मतलब गेहूं, मक्का, चना ये खिलाऊं, कौन? नहीं घर से जो बना सकते हो वो खिलाओ, मार्केट वाला मत खिलाओ। मार्केट वाला महंगा पड़ेगा, 35 रुपया किलो बता रहे हैं, 53। वो महंगा भी होता है और किसको पता क्या है उसके अंदर, तो खुद बना लो ना, वो सब आइटम घर पे लेके आओ जितना है उतना, तो सस्ता भी पड़ता है और आपको पता है आप सच में क्या दे रहे करके। जी जी बात सही। नहीं वो दावा करते हैं, बोले हमारा ये दाना खिलाओगे तो महीने में 5 किलो 6 किलो। नहीं वो दावा तो कुछ भी करते हैं, करते दोनों उनका दावा, वो उनका काम ठीक से कर रहे हैं, अपना अपना ठीक से करेंगे। ठीक ठीक है सर, ये रेडीमेड के चक्कर में मत पड़ो। रेडीमेड का भी जब आपको सब चीजें मतलब अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रही है, थोड़ी अचानक से कुछ अड़चन है भाई, तो कुछ दिन निकालना है, महीना दो महीना, उसके लिए रेडीमेड इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर रेगुलर में इस्तेमाल करना है तो वो महंगा भी जाता है, खर्चीला भी होता है और उसमें फायदा भी नहीं होता है, और वो सामने वाला क्या बताता है वो जरूरी नहीं है।
वो तो कुछ भी बता देगा जी। ठीक है सर, ये सर ठीक है, बहुत अच्छा आप मशवरा दिए, और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है फिर आपसे बात करता हूँ। चलेगा चलेगा, ठीक है, अभी लेना अभी हम ले लेंगे। हाँ हाँ नमस्कार।